अनहेल्दी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते आज दर्जनों बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। इन्हीं में से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल, जिससे आज काफी लोग ग्रस्त हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे गलत खान पान की आदत, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बाहर का खाना ज्यादा खाना, मोटापा, कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रही है। हालिया शोध में बात सामने आई है कि आज की तारीख में 31% भारतीय हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है। वहीं केरल इस सूची में 63% के साथ सबसे टॉप पर है। हेल्दियंस द्वारा किए गए शोध में बताया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल युवाओं में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह है उनका बाहर का ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना। यही वजह है कि आज 35 से 55 साल के लगभग 35% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हमारी गलत खानपान की आदत, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण होती है। इससे हमें कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है हार्ट अटैक और दूसरा फैटी लीवर की समस्या। आज ये समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए डॉक्टर्स रेगुलर हेल्थ चेकअप और हेल्दी खाना और फिजिकल एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, ताकि हाई कोलेस्ट्रॉल के चलते होने वाली इन बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। स्टडी के मुताबिक देश में 31% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या केरल, कर्नाटक और तेलंगाना की है, जिसमें केरल में 63%, कर्नाटक में 32%, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 27%, पंजाब में 25%, गुजरात में 23%, मध्य प्रदेश में 22, हरियाणा में 20%, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 17 और बिहार में 15% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं। वहीं पुरुषों और महिलाओं में इस बीमारी के अंतराल की बात करें तो ये समस्या दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रही है, यानी कि 30% पुरुष और महिलाएं हाई कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से अतिरिक्त फैट आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे खून का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जन्म लेती है। अगर इन दोनों समस्याओं को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट से संबंधित बीमारी को खतरा बढ़ जाता है, जिसमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा यही कोलेस्ट्रॉल लीवर पर जमकर फैटी लीवर की समस्या को जन्म देता है, जिससे लीवर की कार्यकुशलता प्रभावित होती चली जाती है और लीवर डैमेज होने का खतरा बना रहता है। ये दोनों ही बेहद खतरनाक स्थितियां हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना बेहद ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, बाहर का तला भुना मसालेदार खाना ना खाएं, साथ ही जंक फूड का सेवन भी ना करें, शराब का सेवन ना करें, फिजिकली एक्टिव रहें, रोजाना आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करें, साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप्स भी करवाते रहें। तनाव को मैनेज करें, इसके लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें और साथ ही साथ 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जी9 भारतवर्ष।